नमस्कार, मैं हूं वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। पीलीभीत दियोरिया कला रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने दोस्त के साथ घर आए दोनों युवकों ने त्यौहार मनाने के बाद वापस शाहजहांपुर जाते समय नौगमिया निवासी युवक के अचानक तबीयत खराब होने पर साथी ने फोन कर उसके परिजनों को अवगत कराया। परिजन वाहन लेकर जब तक पहुंचे तब तक साथी युवक वहां से फरार हो गया था, जिसे इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया है। परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। पीलीभीत दियोरिया कला कोतवाली क्षेत्र के गांव नौगमिया निवासी रंजीत कुमार 22 वर्ष पुत्र लाला राम अपने साथी शाहजहांपुर निवासी के साथ कुछ समय पूर्व दिल्ली मजदूरी करने गया था, जो कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथी के साथ घर आया था, जहां त्यौहार मनाने के बाद बाइक द्वारा उसका साथी रंजीत को लेकर शाहजहांपुर के लिए जा रहा था, जो कि ईटगांव नहर पर पहुंचते ही उसके साथी ने रंजीत के घर रंजीत की तबीयत खराब होने के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही रंजीत के पिता लाला राम वाहन लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक उसका साथी अपनी बाइक लेकर फरार हो गया था। इधर रंजीत की हालत गंभीर देखकर परिजन वाहन द्वारा इलाज के लिए बिसलपुर ले जा रहे थे, जहां रास्ते में रंजीत ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने साथी द्वारा रंजीत को कोई जहरीला पदार्थ अथवा गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है। क्या देखा था आपने? हमने ये देखा था, वो शाहजहांपुर से आया था तो रंजीत ने फोन किया, तो हमें यहाँ मलबापुर चौराहे पे मिला था, तो उसने कहा कि देखो ये कहिए, देखो रंजीत ने फोन करके बताया कि हमें जरूरी काम है, कि हम आए थे तो हमने पौआ लिया एक, और पौआ लेके और यहाँ तक आए और फिर चले गए। क्या नाम आपका? लाला राम। कहाँ रहते हैं? क्या हुआ था बेटा? हम बेटा बाहर काम करते हो भाई, आओ यहाँ से कपड़ा उतारे और दूसरे कपड़ा पहन दे चलो गो। फिर उसने फोन करो कि हमें उठा ले जाओ, हम इन गांव पुलिया के पास हम पड़े हैं। अच्छा, अकेले हम निकलने वाली है और कोई नहीं था। यहाँ से गए तब तक खाली सांस मिली बस, और कुछ ना मिलो। इलाज के लिए कहीं नहीं लगे? कहीं पहुंचिए ना पहले के, हमने रत्ते में दम तोड़ दी जब उठाए फोन से लाए थे।